नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सूजी के गोलगप्पे बनाना सिखा रही हूँ। आइए उसकी सामग्री देख लीजिए। एक कटोरी सूजी गोलगप्पे भरने के लिए पीली मटर और आलू, पानी बनाने के लिए इमली, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और सफेद नमक, चाट मसाला एक चम्मच। ये पानी में डालने वाला मसाला, इसमें हींग, अदरक, पुदीना, काला नमक, जो हम गोलगप्पे का पानी बनाएंगे उसमें ये मिक्स करेंगे, ये काला नमक। अब मैं बनाने की विधि बता रही हूँ। जो सूजी आपको मैंने दिखाई थी कटोरी, उसमें डाल लीजिए। ये सूजी है, कुछ भी नहीं, इसमें केवल सूजी है। और ये है बेकिंग पाउडर, इसे चुटकी भर डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। और ये सफ़ेद नमक, इसको भी चुटकी भर ही डालना है, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। बस इसको इस तरह से मिलाइए, फिर इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप गूंथ लीजिए। जैसे आटा रोटी का आप गूंथते हैं, बिल्कुल उसी तरह गूंथ के आप इसको आपको एक घंटे रखना है, जिससे ये फूल जाएगा आपका। इस तरह से देखो आटा आपका ज़्यादा टाइट नहीं गूंदना है, क्योंकि ये बाद में फूलने के बाद टाइट हो जाता है, इसलिए ये मैंने आटा एक घंटे पहले गूंद के रखा है। कुछ नहीं, केवल सूजी है। अब मैं आपको पानी बनाने की विधि बता रही हूँ। आप जितना बनाना चाहें जैसे हो उस तरह से पानी लीजिए। जो मैं आपको इमली दिखाई थी उसको आप ऐसे मैश कीजिए, अच्छी तरह से इसको मैश कीजिए। आपकी भींगी हुई है ये चलनी में लेके इसमें आप इसको छान लीजिए, इसमें बीज ना जाए। देखिए अब जो इस तरह से आप मिला, अब मैंने आपको जो मसाला बताया था वो आप इसमें डाल दीजिए। उसको अच्छी तरह डालिए, है चाट मसाला, वो भी आप एक चम्मच इसमें डाल दीजिए और मिलाते रहिए। फिर आप जो मैंने काला नमक स्वाद अनुसार आप देख लीजिए, पहले उसी तरह से इसमें डालिए आधा चम्मच, उसके बाद टेस्ट कर लीजिए। उसके बाद आप उसमें जैसा आप ज़्यादा नमक या कम लगे उसमें आप डालिए। आपका ये गोलगप्पे का पानी तैयार है। अब आप गैस चलाइए और इसमें आप कढ़ाई रख दीजिए, इसमें आप रिफाइन या सरसों जिसमें आपको बनाना है, लेकिन सरसों ज़्यादा टेस्टी बनता है, आप इसमें ज़्यादा डालिए, क्योंकि ये आप अच्छी तरह तल सकें। आप दरक दीजिए, तब तक मैं आपको अब गोलगप्पे बनाना बता रही हूँ। आप मैंने आटा बताया था, एक घंटे बाद आपका आटा सूजी का बिल्कुल तैयार हो गया है। आप इसको आप ऐसे करके लोई लीजिए, बड़ी से ऐसे गोल कीजिए, अच्छे साफ जगह पे इसको इस तरह से पीजिए, ज़्यादा मोटा नहीं, एकदम इस तरह से। आप तब तक वो आपका देखो तेल तैयार हो रहा है, तो तेल तैयार हो जाए काटने के लिए छोटा बना छोटा गिलास ले ले, बड़े बनाने तो आप
one glass. इस तरह से आप सही आप और भी तैयार कर लीजिए। ये आपके तैयार हो गए। अब मैं आलू को सेकने जा रही हूँ। ये आपका केक पहले थोड़ा तेज कर लीजिए, फिर जब डालते इस तरह से एक एक करके इसको इस तरह से दबाना दीजिए। आपका ऐसे ऐसे फूलता जाएगा। ऐसे एक ही करके डाल के आपको, नहीं तो आपको देख लीजिए इस तरह से एक एक करके आपको। फिर आपको गैस धीमी कर देनी है। देखिए देखिए इस तरह से आपको एक एक करके आपको इतने खरे बनेंगे और बहुत टेस्टी लगेंगे। लेकिन ध्यान रखें इसको सेकने के लिए भी देखो आप इस तरह से एक एक करके डालिए। एक साथ डालेंगे तो आप पलट नहीं पाएंगे और फिर आपके वो देखिए आप देखिए देखिए आप ये देखिए बिल्कुल फूले हुए एकदम। ये आपके गोलगप्पे तैयार है। ये देखिए आप ये मटर आलू और ये पानी आपका स्वादिष्ट पानी इस तरह से आप